प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध पंच परमेश्वर, वाचक निर्मल मिश्र। पंचत्व से परमेश्वर सृष्टि रचना करते हैं। पंच संप्रदाय में परमेश्वर की उपासना होती है। पंचामृत से परमेश्वर की प्रतिमा का स्नान होता है। पंच वर्ष तक के बालकों का परमेश्वर इतना ममत्व रखते हैं कि उनके कर्तव्य की ओर ध्यान न देके सदा सब प्रकार रक्षण किया करते हैं। पंचेंद्रिय के स्वामी को वश कर लेने से परमेश्वर सहज में वश हो सकते हैं। काम पंचबाण को जगत जय करने की, पंचगव्य को अनेक पाप हरने की, पंच प्राण को समस्त जीवधारियों के सर्व कार्य संपादन की, पंचत्व को सारे झगड़े मिटा देने की, पंचरत्न को बड़े बड़ों का जी ललचाने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दे रखी है। धर्म में पंच संस्कार, तीर्थों में पंचगंगा और पंचकोसी, मुसलमानों में पंच पतिव्रत आत्मा, पाक पेजतन इत्यादि का गौरव देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द से परमेश्वर बहुत घनिष्ठ संबंध रखता है। इसी मूल पर हमारे नीति विदांबर पूर्वजों ने उपर्युक्त कहावत प्रसिद्ध की है, जिसमें सर्वसाधारण संसारी व्यवहारी लोग यदि परमेश्वर को मानते हो तो पंच अर्थात अनेक जन समुदाय को परमेश्वर का प्रतिनिधि समझें, क्योंकि परमेश्वर निराकार निर्विकार होने के कारण न किसी को बाह्य चक्षु के द्वारा दिखाई देता है, न कभी किसी ने उसे कोई काम करते देखा। पर यह अनेक बुद्धिमानों का सिद्धांत है कि जिस बात को पंच कहते व करते हैं वह अनेकांश में यथार्थ ही होती है। इसी से पांच पंच मिल कीजे काज, हारे जीते होए नलाज, तथा बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, जबाने खल को नकारे खुदा समझो, इत्यादि वचन पढ़े लिखों के हैं। और पांच पंच कह भाषा अमिट होती है, पंचन का बैर कह को तिष्ठा है, इत्यादि वाक्य साधारण लोगों के मुंह से बात बात पर निकलते रहते हैं। विचार के देखिए तो इनमें कोई संदेह भी नहीं है कि जब जही रघुपति करही जस सो तस तेही छिन होए, कि भांति पंच भी जिसको जैसा ठहरा देते हैं वह वैसा ही बन जाता है। आप चाहे जैसे बलवान धनवान विद्वान हो, पर यदि पंच की मर्जी के खिलाफ चलिएगा तो अपने मन में चाहे जैसे बने बैठे रहिए, पर संसार से आपका व आपसे संसार का कोई काम निकलना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जाएगा। हाँ, सब झगड़े छोड़कर विरक्त हो जाइए तो और बात है, पर उस दशा में भी पंचभूतमय देह एवं पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय का झंझट लगा ही रहेगा। इसी से कहते हैं कि पंच का पीछा पकड़े बिना किसी का निर्वाह नहीं, क्योंकि पंच जो कुछ करते हैं उसमें परमेश्वर का संसर्ग अवश्य रहता है, और परमेश्वर जो कुछ करता है वह पंच ही के द्वारा सिद्ध होता है। वरंच यह कहना भी अनुचित नहीं है कि पंच न होते तो परमेश्वर का कोई नाम भी न जानता। पृथ्वी पर के नदी, पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी और आकाश के सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि से परमेश्वर की महिमा विदित होती सही, पर किसको विदित होती? अकेले परमेश्वर ही अपनी महिमा लिए बैठे रहते। सच पूछो तो परमेश्वर को भी पंच से बड़ा सहारा मिलता है। जब चाहा कि अमुक देश को पृथ्वी भर का मुकुट बनावें, बस आज एक, कल दो, परसों सौ के जी में सद्गुणों का प्रचार करके
पंच लोगों को श्रमी, साहसी, नीतिमान, प्रीतिमान बना दिया। कंचन बरसने लगा। जहां जी में आया कि अमुक जाति अब अपने बल, बुद्धि, वैभव के घमंड के मारे बहुत उन्नतक ग्रीव हो गई है, इसका सिर फोड़ना चाहिए, वहीं दो चार लोगों के द्वारा पंच के हृदय में फूट फैला दी। बस बात की बात में सबके कर्म फूट गए। चाहे जहां का इतिहास देखिए, यही अवगत होगा कि वहां के अधिकांश लोगों की चित्तवृत्ति का परिणाम ही उन्नति या अवनति का मूल कारण होता है। जब जहां के अनेक लोग जिस ढर्रे पर झुके होते हैं, तब थोड़े से लोगों का उसके विरुद्ध पदार्पण करना, चाहे अति श्लाघनीय उद्देश्य से भी हो, पर अपने जीवन को कंटकमय करना है। जो लोग संसार का सामना करके दूसरों के उद्धारार्थ अपना सर्वस्व नाश करने पर कटिबद्ध हो जाते हैं, वे मरने के पीछे यश अवश्य पाते हैं, पर कब? जब उस काल के पंच उन्हें अपनाते हैं तभी। पर ऐसे लोग जीते जी आराम से छिन भर नहीं बैठने पाते, क्योंकि पंच की इच्छा के विरुद्ध चलना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना है, और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना पाप है, जिसका दंड भोग किए बिना किसी का बचाव नहीं। इसमें महात्मापन काम नहीं आता, पर ऐसे पुरुष रत्न कभी कहीं सैकड़ों सहस्रों वर्ष पीछे लाखों करोड़ों में से एक आध दिखाई देते हैं। सो भी किसी ऐसे काम की नींव डालने को जिसका बहुत दिन आगे पीछे लाखों लोगों को शान गुमान भी नहीं होता, अतः ऐसों को संसार में गिनना ही व्यर्थ है। वे अपने बैकुंठ, कैलाश, गोलोक, हेविन, बहिष्ट कहीं से आ जाते होंगे, हमें उनसे क्या। हम सांसारिकों के लिए तो यही सर्वोपरि सुख साधन का उपाय है कि हमारे पंच यदि सचमुच विनाश की ओर जा रहे हों तो भी उन्हीं का अनुगमन करें, तो देखेंगे कि दुख में भी एक अपूर्व सुख मिलता है। जैसे कि अगले लोग कह गए हैं कि पंचो शामिल मर गया जैसे गया बरात, मर गए अम्बोह जश्ने दारद। जिसके जाति, कुटुंब, हेती, व्यापारी, इष्ट मित्र, अड़ोसी पड़ोसी में से एक भी मर जाता है, उसके मुंह में से यह कभी नहीं निकलता कि परमेश्वर ने दया की। क्योंकि जब परमेश्वर ने पंचों में से एक अंश खींच लिया तो दया कैसी। वरंच यह कहना चाहिए कि हमारे जीवन की पूंजी में से एक भाग छीन लिया। पर अनुमान करो कि यदि किसी पुरुष के इष्ट मित्रों में से कोई न रहे तो उसके जीवन की क्या दशा होगी। क्या उसके लिए जीने से मरना अधिक प्रिय न होगा। फिर इसमें क्या संदेह है कि पंच और परमेश्वर कहने को दो हैं, पर शक्ति एक ही रखते हैं। जिस पर यह प्रसन्न होंगे वही उसकी प्रसन्नता का प्रत्यक्ष फल लाभ कर सकता है। जो इनकी दृष्टि में तिरस्कृत है वह उसकी दृष्टि में भी दया पात्र नहीं है। अपने ही लो वह कैसा ही अच्छा क्यों न हो, पर इसमें मीन मेख नहीं है कि संसार में उसका होना न होना बराबर होगा। मरने पर भी अकेला बैकुंठ में क्या सुख देखेगा। इसी से कहा है, जियत हंसी जो जगत में, मरे मुक्ति के ही काज। क्या कोई सकल सद्गुणालंकृत व्यक्ति समस्त सुख सामग्री संयुक्त सुवर्ण के मंदिर में भी एकाकी रह के सुख से कुछ काल रह सकता है। ऐसी ऐसी बातों को देख सुन सोच समझ के भी जो लोग किसी डर या लालच या दबाव में फंस के पंच के विरुद्ध हो बैठते हैं अथवा द्वेषियों का पक्ष समर्थन करने लगते हैं, वे हम नहीं जानते कि परमेश्वर
दीन, ईमान, धर्म, कर्म, विद्या, बुद्धि, सहृदयता और मनुष्यत्व को क्या मुंह दिखाते होंगे। हमने माना कि थोड़े से हठी दुराग्रही लोगों के द्वारा उन्हें मन का धन, कोरा पद, झूठी प्रशंसा मिलनी संभव है, पर इसके साथ अपनी अंतरात्मा के गले पर छुरी चलाने का पाप तथा पंचों का श्राप भी ऐसा लग जाता है कि जीवन को नरकमय कर देता है और एक न एक दिन अवश्य भंडा फूट के सारी शेखी मिटा देता है। यदि ईश्वर की किसी हिकमत से जीते जी ऐसा न भी हो तो मरने के पीछे आत्मा की दुर्गति, दुर्नाम, अपकीर्ति एवं संतान के लिए लज्जा तो कहीं गई ही नहीं, क्योंकि पंच का बैरी परमेश्वर का बैरी है और परमेश्वर के बैरी के लिए कहीं शरण नहीं होती। राखी को सके राम कर द्रोही। पाठक, तुम्हें परमेश्वर की दया और बड़ों बूढ़ों के उद्योग से विद्या का अभाव नहीं है, अतः आंखें पसार के देखो कि तुम्हारे जीवन काल में पढ़ी लिखी सृष्टि वाले पंच किस ओर झुक रहे हैं और अपने ग्रहण किए हुए मार्ग पर किस दृढ़ता, वीरता और अकृत्रिमता से जा रहे हैं कि थोड़े से विरोधियों की गाली धमकी तो क्या, बरंच लाठी तक खाके हतोत्साह नहीं होते, और स्त्री पुत्र धनजन क्या, बरंच आत्मविसर्जन तक का उदाहरण बनने को प्रस्तुत है। क्या तुम्हें भी उसी पथ का अवलंबन करना मंगलदायक न होगा? यदि बहकाने वाले रोचक और भयानक बातों से लाख बार करोड़ प्रकार समझावें तो भी ध्यान न देना चाहिए। इस बात को यथार्थ समझना चाहिए कि पंच ही का अनुकरण परम कर्तव्य है, क्योंकि पंच और परमेश्वर का बड़ा गहरा संबंध है। बस इसी मुख्य बात पर अचल विश्वास रख के पंच के अनुकूल मार्ग पर चले जाइए तो दो ही चार मास में देख लीजिएगा कि बड़े बड़े लोग आपके साथ बड़े स्नेह से सहानुभूति करने लगेंगे और बड़े बड़े विरोधी साम, दाम, दंड, भेद से भी आपका कुछ न कर सकेंगे, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर हैं और उन्होंने अपनी बड़ाई के बड़े बड़े अधिकार पंच महोदय को दे रखे हैं। अतः उनके आश्रित, उनके हितैषी, उनके कृपा पात्र का कभी कहीं किसी के द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं हो सकता। इससे चाहिए कि इसी क्षण भगवान पंचवक्त का स्मरण करके पंच परमेश्वर के हो रहिए तो सदा सर्वदा पंच पांडव की भांति निश्चिंत रहिएगा। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध पंच परमेश्वर। वाचक निर्मल मिश्र।